हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 3 फेब 2020 डेली करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। हम डिस्कस करेंगे टुडे डिस्कशन टॉपिक में मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी, स्टैटिक जी के रहेगा, स्टेट रहेगा एक, और जो भी आपको नॉलेज लेनी है उसके लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर डू इट नाउ। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अभी नहीं फिर कभी कर लेंगे, या आज नहीं कल कर लेंगे। कभी कभी बाद में कभी नहीं आता। कहते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ो बाद में कर लेंगे, पर जो करना है आपको अभी करना है। क्विक डिसीजन लीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए अपना, क्योंकि जो करना है आपको अभी ही करना है, अभी ही डिसाइड करना है, अभी आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ये समय निकल जाएगा तब आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा सिवाय पछताने के। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है क्विक डिसीजन लीजिए, और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए और तत्पर रहिए, प्रयास करते रहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाला न्यूज़ देखते हैं कि क्या रहेंगी। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ है, भारत में कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। और आपको जनवरी की जितने भी डेज हुए हैं जनवरी के अंदर महत्वपूर्ण, उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो उसका जो आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है, कुछ टाइम नहीं लगना है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2014 से 2019 की कलाविधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा है? तो वो रहा है 284 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 1920 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो वो रहा है 3.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टॉक एक्सचेंज को ऋण प्रतिभूतियों के लिए RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोट नामक नया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE को सेवी की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार IMF ने 2019 में कितने परसेंट वैश्विक उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 2.9% जो अनुमान है उन्होंने लगाया है वैश्विक उत्पादन का, जो विश्व के स्तर पर प्रोडक्शन होगा उसका अनुमान IMF के द्वारा लगाया गया है, तो 2.9% हो जाएगा। WEO ने 2020 में कितने परसेंट वैश्विक उत्पादन की घटती वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने घटती वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो 3.3% घटती वृद्धि का इन्होंने अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में GDP के दृष्टि से विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो GDP की दृष्टि से, GDP फुल फॉर्म आपको अगर पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसमें जो विश्व की मतलब GDP की दृष्टि से विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वह 21.4 लाख करोड़ डॉलर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, और चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं, किस राष्ट्र ने फसलों को नष्ट करने वाले रेगिस्तानी टिड्डे के हमलावर झुंडों को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वैसे ही बहुत हालत ख़राब हो रही है, एक तो कर्ज में डूबा हुआ है, दूसरा उनके पास वहाँ पर इतनी महंगाई हो रही है, अब जो भी खेती हो रही है वहाँ पर टिड्डे दल ने हमला और कर दिया है। टिड्डे आप लोग जानते होंगे, जिसे ग्रास होपर कहते हैं, एक हमारे 4th क्लास में चैप्टर हुआ करता था अनटेंड द ग्रास होपर, तो वो उसके लिए उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया है। वो जहाँ जिस खेत में आ जाते हैं पूरी फसल नष्ट कर देते हैं टिड्डे जो होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं, तीसरी निजी तेजस ट्रेन किन किन मार्ग पर चलाई गई है? तो इंदौर वाराणसी मार्ग पर चलाई गई है। DRDO के डॉक्टर APJ कलाम सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड रिसर्च एंड इनोवेशन की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? तो गुजरात विश्वविद्यालय में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 की अध्यक्षता करेगा? 2022 में भारत G20 समिट की अध्यक्षता करेगा। तो 2020 में कौन करेगा? तो 2020 में करेगा सऊदी अरब। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। व्यक्ति विशेष से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त का नाम क्या है? तो अजय विसारिया। अब कनाडा की बात हो रही है, तो कनाडा के जो कैपिटल होती है उसे कहते हैं ओटावा और डॉलर।
करेंसी वहाँ की हो जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिलाओं के एकल खिताब की विजेता कौन बनी है? तो वो बनी है सोफिया कैनिन, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं ये। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला युगल का खिताब जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो वो है क्रिस्टीना मिलादे नोविक, फ्रांस की हैं ये, टिमिया वावोस ये हंगेरी की हैं। हंगेरी बुडापेस्ट वहाँ की करेंसी हो जाती है, फ्रांस पेरिस और यहाँ की करेंसी यूरो हो जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिश्र युगल का खिताब जीतने वाली जो जोड़ी है वो कौन सी है? तो वो है वारवोरा क्रिग्सकोवा और निकोला मैक्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपा मलिक जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने फुटबॉल खेल के लिए दुनिया के अग्रणी देशों और बाकी देशों के बीच के अंतर को कम करने के लिए के उद्देश्य से किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? फीफा टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और गेन और सेन बेंगर द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, फीफा ने क्या किया है कि फुटबॉल की खेल के लिए दुनिया के अग्रणी देशों और बाकी देशों के बीच अंतर को कम करने के लिए जो डिफरेंस है उसको कम करने के उद्देश्य से उन्होंने एक कार्यक्रम की घोषणा की। उस कार्यक्रम का नाम है फीफा टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये शुरू किया जाएगा और सेन बेंगर के द्वारा। राज्य विशेष की बात कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने YSR पेंशन कनुका उपहार योजना के तहत घर घर जाकर कल्याणकारी पेंशन वितरित करना शुरू किया? अब आपके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, जहाँ YSR लिखा हो वहाँ से आपको तुरंत लिख देना है अगर नहीं आता आंसर आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR जगनमोहन रेड्डी जो है वहाँ के CM हैं तो वहाँ की ये योजना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके तहत पर्वतारोहियों को एक स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और 5 लाख की राशि दिया जाएगा? तो वो है हरियाणा सरकार। ठीक है, ज्ञान विज्ञान से देख लेते हैं, जैव जेट ईंधन पर उड़ने वाला IAF का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? तो वो है AN-32 विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों को विकारों से बचाने के लिए जीवाणु के अतरंगा में बदलाव किए हैं? तो टेक्सास विश्वविद्यालय जो मधुमक्खी हैं हनी हुई हैं उनको विकारों से बचाने के लिए जीवाणु के अतरंगा में बदलाव किए हैं। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार भारतीय महिला कौन गई थी? कल्पना चावला। वर्ष 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल आपदा में उनका निधन हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल था 2/5 और 2/5 के दिन ही हमारी जो भारतीय महिला कल्पना चावला थी प्रथम महिला, उनका प्लेन क्रैश जो उनका स्पेस था रॉकेट वो क्रैश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में उड़े तो ये तो सभी को पता होगा, राकेश शर्मा जी। अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल किस दिन अस्तित्व में आया था? तटरक्षक बल किस दिन अस्तित्व में आया? 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी और वर्तमान अध्यक्ष जो रहेगा सऊदी अरब के राजा जो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं 2020 के लिए। ओके, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना कब हुई? 1958 में। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम और जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसरो के अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे तो आप के सिवान को बताएंगे। डिटेल करंट न्यूज़ बताते हैं, जीवित रोबोट जेनोवोट्स, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। वैज्ञानिकों और रोबोटिक विशेषज्ञों की एक शोध टीम ने स्टेम सेल से जेनोवोट्स नामक एक नया जीवनदान बनाने के लिए सूत्र को प्रकाशित कर दिया है। शब्द जेनो मेडक कोशिकाओं से उत्पन्न होता है जो उन्हें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग हमारे प्रदूषित महासागर जो हैं उनको महासागरों को माइक्रोप्लास्टिक एकत्र करके साफ करने के लिए किया जा सकता है। जेनोवोट्स जो है वो 1 मिलीमीटर से कम लंबे होते हैं। वे 500 से 1000 जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। उनके पास अलग अलग सरल आकार है, इसमें कुछ स्क्वाइट पैर शामिल है। अपनी सेलुलर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए 10 दिनों तक जीवित भी रह सकते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है जेनोवोट्स की। तो वैज्ञानिकों और रोबोटिक विशेषज्ञों की एक शोध टीम में स्टेम सेल से जेनोवोट्स नामक एक नया जीवनदान बनाने के लिए अपने सूत्र को प्रकाशित किया है।
अब आपके लिए अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बनेगा, जेनोवॉट्स जो है वो किसके हिसाब से दिया गया है? तो नया जीवनदान बनाने के लिए इनका एक फॉर्मूला है जिसे प्रकाशित कर दिया गया है। अब जेनो शब्द क्या है? तो मेढक कोशिकाओं से ये जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। और इनका जीवन काल कितने दिन का रहेगा? 10 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का लक्ष्य 2020 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करा देना है। ओके, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो उनका लक्ष्य है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास जो प्रदान करे जाते हैं कॉलोनीज़, वो उनका उद्देश्य कि सभी जो भी बीपीएल धारक हैं, जो भी उसको लेने के लिए आवास को लेने के लिए एलिजिबल हैं, उनको वे प्रदान कर दिया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में कुल 1,50,00,000 ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के दूसरे चरण में पात्र लाभार्थियों को 1,95,00,000 घर मिलेंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 60,00,000 घरों का लक्ष्य रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। अब आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा, सूरजकुंड शिल्प मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा का शहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरीदाबाद हरियाणा में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1987 में पहली बार भारत के अथकरघा हस्तशिल्प सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। और हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है। प्रथम बार इसका 1987 में इनोग्रेशन हुआ था। ओके, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है, ठीक है। आर्द्रभूमि जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, लचीलापन, स्वच्छ पानी, जल आपूर्ति, तूफान संरक्षण, कार्बन भंडारण, स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यटन और मनोरंजन और नौकरियों में योगदान देता है। तो जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो किस दिन को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये रामसर कन्वेंशन जो है उसकी वर्षगांठ का प्रतीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशल नॉलेज में बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट हमेशा किसी न किसी राज्य को फंड प्रोवाइड करता रहता है, तो आपको देख लेना। एशियन डेवलपमेंट जो है उसका सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। प्रकार है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। मुख्यालय आपको मिलेगा मेट्रो मनीला फिलीपींस में। ओके, सदस्य देश जो हैं वो 68 है। एशिया डेवलपमेंट एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में 19 दिसंबर के दिन हुई थी। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। अब जो एशियाड कंट्री हैं उनके लिए जो आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, उसके सुगमीकरण के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मानित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास 68 सदस्य हैं जिसमें 49 एशिया के और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य जो हैं वो बाहरी कंट्रीज से आते हैं। एडीबी का प्रारूप काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भारत वोट प्रणाली की व्यवस्था भी है जिसमें वोटों की वितरण जो होता है वो सदस्य के पूंजी अविदान अनुपात के आधार पर कर दिया जाता है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है एशियन एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका टैगलाइन फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, और स्थापना 19 दिसंबर 1966 के, सदस्य देश कितने हैं तो वो हैं 68, और आपको हेडक्वार्टर 100% याद कर लेना है मनीला फिलीपींस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में, हम इज़राइल कंट्री के बारे में बताएंगे। इज़राइल की जो राजधानी होती है, सबसे बड़ा नगर भी यरूशलम है जिसे जेरूसलम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो सरकार है संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति हैं रेविन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और मुद्रा यहाँ पर चलती है इज़राइली न्यू शकेल। ओके,
अब बात कर लेंगे स्टैटिक जीके के अंदर आपके सीमा सुरक्षा बल की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और BSF का सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपको देश की सेवा के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा बनानी रखनी है। ठीक है, मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक जो हैं BSF के वो हैं विवेक कुमार जोहरी। ओके, अब स्टेट की बात करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश की आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हमने ओरली आपको डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश, तो अब हमने उत्तर प्रदेश से जो भी फैक्ट थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को और पुनर्गठन अगर पूछा जाएगा तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है लखनऊ है। अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी तो वो इलाहाबाद के अंदर आएगी। सीमाएं उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नेपाल से मिलती हैं। राज्य की पशु पूछा जाएगा तो बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी पूछा जाएगा तो सारस क्रॉन्च है। राज्य की पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का पलाश है और ब्रह्म कलश भी इसे कह सकते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से एक रिजर्वायर भी है। प्रथम राज्यपाल जो थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी और वे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों की प्रथम, मतलब कि जितने भी राज्य उनमें प्रथम महिला ऐसी थी जो एक राज्यपाल बनी थी। 75 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। मंडल 18 हैं। विधानमंडल यहाँ की 2 सदनात्मक हैं। ओके, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 404। अब उसमें से एक जो है वो एंग्लो इंडियन है। विधान परिषद की सीटें अगर पूछी जाएंगी तो आपको एंग्लो इंडियन के साथ अगर पूछी जाएंगी तो आप 100 बताएंगे, नहीं तो 99+100 बताएंगे। क्योंकि राज्यसभा की सीट जो है 31 हैं जो कि भारत में सबसे ज़्यादा हैं। लोकसभा की सीट जो है 80 हैं जो भी भारत में सबसे ज़्यादा हैं। राज्यपाल जो वर्तमान में है वो हैं आनंदीबेन पटेल, अभी नियुक्त हुई है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भाजपा के नेता मुख्यमंत्री, ये सभी को पता है। उप मुख्यमंत्री हो सकता नहीं पता हो, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव अगर पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश के तो वो हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। पुलिस महानिदेशक जो हैं वो ओम प्रकाश सिंह हैं अभी तक। कल हमने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था कि अब ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है। इसका इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो उर्दू है वो कौन सी ईयर में अस्तित्व में आई थी, तो 1989 में आधिकारिक भाषा के रूप में अस्तित्व में आ गई थी। अगर साक्षरता यहाँ पर पूछेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 67.68% है। लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 912 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष पर हैं 2011 की सेंसिस के अनुसार। जनसंख्या घनत्व तो अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो वो है 829 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और खंडपीठ लखनऊ में है और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका नाम है गोविंद माथुर जी। ओके, प्रमुख खनिज जो उत्तर प्रदेश का हो जाता है तो वो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा और जिप्सम। अगर प्रमुख जनजातियाँ पूछी जाएंगी तो थारू, भेटिया, भोटिया, जौनसारी, खरवार, शौका, वुक्सा, राजी और बनरौत महाईगीर, ये जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। वन्यजीव विहार पूछा जाएगा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है वो वाराणसी में अवस्थित मिल जाएगा। प्रमुख झीलें अगर पूछी जाएंगी तो गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील और पूनाताल झील, ये जो झील हैं वो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा का जो आगमन होता है वो बिजनौर जिले से होता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात कर लेंगे। लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है, तो वो जो लक्षद्वीप समूह है, द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो है अरब सागर में अवस्थित है। हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर जो कश्मीर हिमालय है वहाँ पर करेवा पाए जाते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है, तो वो है मणिपुर में, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। लोकटक झील पे केवी लमजाओ जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग कर देता है। निम्न में से किस श्रेणी में दोदाबेट्टा चोटी स्थित है, तो नीलगिरी श्रेणी है उसमें दोदाबेट्टा चोटी स्थित है। अब दोदाबेट्टा चोटी है कहाँ पर, तो वो है आपकी तमिलनाडु के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो जो दामोदर नदी है बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है, इसमें कोशी दिया हुआ है, ये बिहार का शोक कहलाती है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की सहायक नहीं है? तो ये द्रोणी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो जो सिंधु नदी है वो पंचनद में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? तो विवर्तन की जो क्रिया होती है, विवर्तनिक क्रिया होती है, उसके द्वारा महाद्वीप जो है अलग हो जाते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और करंट अफेयर स्टैटिक जी के, GS स्पेशल नॉलेज भी, ADV को हमने डिस्कस किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के साथ साथ आप अगर डेली मोशन और शेयर चैट यूज़ करते हैं वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और टिकटॉक हेलो ऐप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तैयारी बिगनर्स की के नाम से हर जगह हमारा अकाउंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनके PDF आपको आसानी से मिल जाएँ और अपनी आप तैयारी को बूस्टअप कर सकें। ओके, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मन में अपने जुनून रखिए कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे और आगे बढ़ते रहिए, अपनी सफलता को प्राप्त करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।